हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप फोन तो मेरे हाथ में देख रहे होंगे, तो इसी के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए वही पुराने वाला काम, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और लाइक भी कर दो यार। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि मैं लेकर आऊंगा इस फोन का रिव्यू और इसकी जो कैमरा क्वालिटी वगैरह, जो भी क्वालिफिकेशन थी, उनके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करूं तो मैंने डिस्प्ले के बारे में उस वीडियो में बताया था, एक बार और बता देता हूँ। तो इस डिस्प्ले की जो मिनिमम लेंथ है वो है 6.2, तो जो 6.2 इंच की जो इसकी डिस्प्ले है, उसी के साथ साथ दोस्तों यदि बात करें इसकी बैटरी की, तो 4200 mAh की इसकी बैटरी है। उसी के साथ साथ दोस्तों, यदि अगर मैं इसको ऑन करके देखूँ तो इस तरह से का इसका जो लुक आता है, आप देख रहे हैं अपने सामने, और अंदर से इस तरह का इसका जो लुक आता है, इसको यहाँ पर होम पेज देने के लिए और यहाँ से इस तरह से ओनली एक्चुअली जो लगभग आजकल फुल स्क्रीन के अंदर जो फोन आ रहे हैं उनमें क्या है कि 3 टैप्स दिए होते हैं नीचे के लिए। नीचे हमें एक होम बटन दिया होता है, एक बैक बटन दिया होता है, उसी के साथ साथ दोस्तों एक बटन उसके लिए दिया जाता है जिसके अंदर हमने जो भी एप्लीकेशंस वगैरह रनिंग में चल रही होती है उनको कट करने के लिए। लेकिन इसमें दो ही वेरिएंट है, एक बैक के लिए एक होम के लिए। एक्चुअली होम से जो है वो वेरिएंट चलता है, तो ये इसकी थोड़ी अलग बात मुझे लगी। अब सबसे बड़ी बात यदि बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, तो यदि आप इस फोन के अंदर एक बार को सिम इंसर्ट कर लेते हैं और सिम इंसर्ट करने के बाद में इस फोन के अंदर आप अपनी कोई भी ईमेल या जीमेल आईडी लगा देते हैं, तो उस आईडी को लगाने के बाद एक्चुअली क्या होगा कि अब वो आईडी इसके अंदर लग चुकी है। अब आप जितने भी सिम कार्ड चेंज करोगे इसके अंदर, उसकी जो नोटिफिकेशन है आपके मेल के ऊपर जाएगी। ये फोन की, इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है कि कोई भी अगर इसके अंदर कोई और अदर सिम आप इंसर्ट करते हो, तो उस सिम के नंबर पर उसकी उसकी सारी डिटेल जो उसके पास जाएगी उस ईमेल के ऊपर, और वहां पर आपको पता चल जाएगी कि इसने इस फोन के अंदर वो वाली सिम इंसर्ट की है। तो एक्चुअली इसका फायदा क्या है वो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए फ्यूचर में ना हो कि आपका फोन कहीं खो जाए, वैसे खो जाए तो इसको पता करने के कई रास्ते हैं, लेकिन चोरों के ताले नहीं होते। तो मान लीजिए फ्यूचर में कभी खो जाए तो वो उसके अंदर डायरेक्ट सिम इंसर्ट करेगा। सिम इंसर्ट करे किए बिना तो इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट चला भी नहीं सकता, मतलब इसके अंदर कुछ कर भी नहीं सकता। सिम इंसर्ट करेगा बिना ध्यान दिए, क्योंकि सब जानते हैं कि ऐसा कोई फीचर नहीं होता, तो डायरेक्ट वो सिम इंसर्ट करेगा तो आपके पास उन नंबर की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये नंबर है, और उन नंबर को ढूंढकर आप इस फोन का पता लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा यही है इसके अंदर। अब एक्चुअली इसकी आगे की हम बात कर लेते हैं, इसकी कैमरा क्वालिटी की। अब जो है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल है, और जो फ्रंट कैमरा भी जो 13 मेगापिक्सल का जो ड्यूअल कैमरा था उसकी बात कर रहा था मैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का। और जो ब्लर कैमरा है वो काफी बेहतरीन है, इसकी रिकॉर्डिंग जो नाइट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार रिकॉर्डिंग है। आपको साइड में स्क्रीन पर जो है इसकी देखने को मिल रही है कि नाइट में कितनी क्लियरिटी से रिकॉर्ड करता है, और नाइट के साथ साथ दिन में भी काफी बेहतरीन क्लियरिटी के साथ रिकॉर्ड करता है। इसकी इमेज क्वालिटी भी काफी बेहतरीन है। अब नेक्स्ट फीचर की अगर मैं इसकी बात करूं, तो काफी सारे जो है काफी बार लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार इतना महंगा फोन ले लिया मैंने, उसके बावजूद भी मेरे फोन को जब भी मैं डीजे साउंड के सामने रिकॉर्ड करता हूँ, या फिर किसी भी स्पीकर के सामने रिकॉर्ड करता हूँ, या फिर थोड़े सॉन्ग्स ज्यादा लाउड आवाज में रिकॉर्ड करता हूँ, तो आवाज फटने लगती है बार बार में, चर 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 इस तरह की कुछ आवाजें आती है, और जो है क्लियरिटी नहीं दे पाता है मेरा फोन इतने महंगा खरीदने के बाद भी। ऐसा एक्चुअली क्यों हो रहा है? जो न्यू फोन होते हैं वो उनमें ऐसा होता था, अब क्यों होता था इसके लिए, इसको समझाने के लिए काफी बड़ा टॉपिक है, पर्टिकुलर वीडियो बनाना पड़ सकता है, लेकिन मैं जानते हैं होंगे आप सभी क्यों होता है। तो अब एक्चुअली क्या है कि इस फोन से यदि आप रिकॉर्ड करते हो कोई भी वीडियो, तो आपको आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी, बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। आपको इसमें अलग से कोई ऑडियो इनपुट करने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब कोई MIC माइक्रोफोन इंसर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। उसी के साथ साथ दोस्तों, ये खुद ही इतनी क्लियरिटी से डीजे साउंड वगैरह की आवाज देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिकॉर्ड किया हुआ है कि माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया हुआ है। ये इसकी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन हो गई। उसी के साथ साथ दोस्तों, यदि इसकी प्रोटेक्शन की मैं बात करूं, तो इसके अंदर गोरेला ग्लास सपोर्ट तो है, लेकिन ये गोरेला ग्लास सपोर्ट ट्रिपल में है, मतलब ट्रिपल गोरेला ग्लास सपोर्ट इसके अंदर है, तो मतलब स्क्रीन के जाने के तो कोई चांस भी नहीं है। तो इसी तरह इसका प्रोटेक्शन भी काफी बेहतरीन है, काफी लुक भी काफी बेहतरीन है, और भी इसकी काफी क्वालिफिकेशन है। इसकी इमेजेस वगैरह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप वो इमेजेस वगैरह भी देख लीजिए, और वो सारे के सारे आप देख लीजिए अच्छी तरह से, काफी क्लियरिटी इसके अंदर है। एक्चुअली इस फोन का रिव्यू देना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने रेडमी 7 प्रो के अंदर बताया था, मैंने उसका रिव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अच्छा था ही नहीं, लेकिन इसकी काफी क्वालिफिकेशन मुझे अच्छी लगी ताकि आप इसे जो है सही सिलेक्शन
कर सको, तो इसीलिए मैंने बताया है। अब एक्चुअली इसके वेरिएंट की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, मतलब 332 के अंदर है और 464 के अंदर है। अब एक्चुअली 464 के अंदर तो क्या है कि 11,000 रुपए का ये मिलता है। यदि हम 8,999 रुपए यदि हमारा बजट कम है तो 332 के अंदर 3 जीबी रैम और 32 जीबी रोम के अंदर भी से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और अब बात कर लेता हूँ कि नेक्स्ट ये कौन कौन से कलर के अंदर अवेलेबल है। देखिए पहला तो इसके अंदर वो ब्लू आपको मिल रहा ही है, और ब्लू के बाद में एक्चुअली इसके अंदर ब्लैक मिलता है, और ब्लैक के बाद में एक डायमंड जो है डायमंड ब्लू और मिलता है, जो है कि मतलब आप जान समझ गए होंगे किस तरह का होता है, मतलब आधा ब्लैक आधा ब्लू इस तरह से होता है, तो काफी अच्छी लुकिंग उसकी आती है। तो तीनों वेरियंट में जो आपको अच्छा लगे वो खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, तो बार बार से कई लोगों ने मुझे पूछा भी है कि यार ड्यूअल सिम की जरूरत होती है लेकिन मुझे मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट करनी है, जरूरी है मुझे मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना। तो मेमोरी कार्ड भी आप इसके साथ इंसर्ट कर सकते हैं प्लस ड्यूअल सिम के साथ, मतलब दोनों सिम साथ चलेगी और उसी के साथ साथ आपका मेमोरी कार्ड है वो भी इसमें इंसर्ट हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों चीज एक साथ चला सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है जो कि आजकल के फोनों में। अब यदि नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो 4G स्लॉट्स के बारे में, यदि मेरा मतलब है कि इनके इस फोन के जो दोनों स्लॉट्स है वो 4G सपोर्टेड है। एक्चुअली आजकल के फोनों में क्या आ रहा है कि हम एक 4G सिम से अपना 4G इंटरनेट चला लेते हैं तो दूसरी सिम का 4G इंटरनेट बंद हो जाता है, दूसरी सिम चला लेते हैं तो 4G दोनों के अंदर सपोर्ट नहीं कर पाता है। अब एक्चुअली हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई एक सिम के अंदर नेट चलाया, फर्स्ट सिम से आप 4G इंटरनेट चला रहे हो तो आपको सेटिंग में जाकर सिलेक्ट करना पड़ता है 4G, तो ऑटोमेटिक जो सेकंड सिम है वो 2G इंटरनेट पर ले लेती है, मतलब वो अपना वेरिएंट चेंज कर लेती है। लेकिन ये फोन जो है अपना वेरिएंट चेंज नहीं करता, मतलब दोनों सिमों के अंदर बराबर 4G रहेगा, जिसका डाटा आप ऑन करके यूज करना चाहोगे उसी का डाटा यूज कर सकते हो, आपको बार बार सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसमें जाकर 4G इसका सिलेक्ट कर दिया तो इसका बंद हो जाएगा, इसका सिलेक्ट कर दिया तो इसका बंद हो जाएगा। तो इसकी प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मल्टीटेक हीलियम P70 का प्रोसेसर है, जो कि इस बजट के अंदर जो है आपको किसी भी फोन के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलने वाला है। कि आसपास के अंदर इसके बजट की बात करें तो काफी अच्छी जो इसकी ये प्रोसेसर है, तो इस प्रोसेसर के अंदर क्या है कि आप हेवी से हेवी गेमिंग कर सकते हैं, हेवी से हेवी गेम खेल सकते हैं, जो चाहे वो गेम आप प्ले कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से प्ले कर सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है कि जो पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर जैसे कुछ पॉपुलर जो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो अटकने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो कुछ ज्यादा से हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके प्रोसेसर उसको जो है कंप्रेस करके रखेगी इसको बनाए रखेगी, तो उसके इससे क्या होगा कि आपका जो है मतलब रैम जो है स्मूथली चलेगा और उसी के कारण जो आपका जो है कोई भी सॉफ्टवेयर अटकने वाला नहीं है और बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इस फोन के और सारे रिव्यू के बारे में जानकारी, उम्मीद करता हूं ये फोन आपको अच्छा लगा होगा, फोन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।